तो देखिए हम खड़े हैं मुंदी गांव में और मुंदी गांव के बीपीएल परिवारों की बस्ती है। यहाँ करीब 40 से 50 घर हैं और काफी दिन से यहाँ बसासत है और सरकार की जो लोगों की बातें हैं वो कह रहे हैं कि सरकार ने वादे किए थे कि यहाँ से पक्का रास्ता निकालेंगे, लेकिन आज तक बता रहे हैं कि 3 योजना बीत चुकी, ना तो पक्का रास्ता बना है। बाकी पक्के रास्ते की तो बात छोड़िए, आप ये कच्चे रास्तों के हालात देखिए। यहाँ बारिश के समय पानी भर जाता है, चिकनी मिट्टी है, 2-2 महीने यहाँ पानी सूखता नहीं और यहाँ से आए दिन बच्चों का आना जाना होता है। स्कूल के काफी बच्चे आते हैं सरकारी स्कूल में, वो रोज यहाँ इस पानी में गिरते पड़ते हैं और परेशान रहते हैं। ना ही यहाँ किसी साथ धन का आना जाना है, ना ही कोई व्यक्ति यहाँ से आ जा सकता। तो हम बात करवाते हैं कि किस तरह से नाराज है यहाँ के लोग, काफी लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, हम बात करवाएंगे आपको उनसे। बाबा क्या कहेंगे इस रास्ते के बारे में? रास्ता के बारे में पंच तो करवा दिए, पंच रहे उड़े जी। सर क्या कहेंगे? ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ जी, ये रास्ता काफी दिनों से बीपीएल कॉलोनी से अटैच हो पाए जी, और यहाँ से काफी आने जाने का मतलब गांव के लोग भी आते जाते हैं, बीपीएल कॉलोनी के भी आते जाते हैं, बच्चे भी आते जाते हैं स्कूल के। और यहाँ ये कई सालों से मतलब ये समझो 15 सालों से 3 योजनाओं के करीब ये काम अधूरा पड़ा है जी। इस पर ना तो सरकार कोई कार्रवाई करती है, ना कोई पंचायत कार्रवाई करती है, ना कोई और कोई कार्रवाई करती है। वो एमपी एमएलए जो भी आते हैं वो भी सब अपने वादे के हिसाब से अपने उसको कह के चले जाते हैं, हम ये करेंगे हम ये करेंगे जी। और इस धरातल पर कुछ भी नहीं हो पाया जी। आपके क्या प्रयास रहे हैं इस रास्ते को लेकर? कभी सरपंच या जो भी यहाँ के प्रतिनिधि बने हुए हैं, जिला पार्षद हैं या यहाँ के विधायक हैं या डीसी साहब हैं, कहीं आपने कहीं कंप्लेंट की है, किस मांग की है इस चीज की? ऐसा जी, हमारा सत्र यहाँ तक ही है, पंचायत तक ही, पंचायत के तहत ही काम होता है जी। और पंचायत ने कई दफा ये आश्वासन दिया है कि हम इसको कराएंगे, वो कराते हैं नहीं। इसकी पैमाइश भी हो रही है सर जी, पैमाइश भी की गई है इस योजना में पंचायत के द्वारा जी, और बढ़ाने के लिए इसका आधार मूल आधार भी बनाया गया था, पर अभी तक तीसरी योजना चल रही है, अभी तक कोई इसका कोई समाधान नहीं हो पाया जी। क्या कहेंगे भाई साहब? भाई 3 साल हो गए, 3 साल में इसमें ना तो मिट्टी पड़ी है, 52 फुट का रास्ता है, आगे जाके है ना बिल्कुल ही सारा 20 फुट का रास्ता रह रहा है। ठीक है, हर कोई विधायक आवे उरे वोट मांगते वक्त कह दे कि हाँ भाई रास्ता चौड़ा होवेगा, टाइल लगेगी। ठीक है, अभी तक ना कोई मिट्टी लगी, ना कोई मिट्टी पड़ी है, ना कुछ हुआ है। आप आगे देख भी सकते हो, बच्चे जाते हैं स्कूल में, बुरा हाल रहता है, बारिश के मौसम में पानी भर जाता है, इतना डंगा हो रहा है यहाँ पे, क्या नाम है, दुनिया भर के सांप सिलेंडर निकलते रहे हैं जी। क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हो यहाँ इस रास्ते से? हम तो यही चाहवा जी, और रास्ता थोड़ा सही सा हो जावे, बच्चों को कोई परेशानी ना होवे जी। इस विषय में सरपंच वगैरह से बात हुई है आपकी? जी, 3 योजना चली गई, 3 योजना में एक ही बात रहे, बनेगा अब तक तो बनाना है, काम होता नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं होता जी। जी धन्यवाद। अरे गिज्जा सर, और कौन बोलना चाहेगा जी? हाँ जी, क्या कहेंगे सर इस जी? हम बीपीएल से हैं, यहाँ से 50 बच्चे जाते हैं, वो भेज जाते हैं, कभी वर्दी भेज जाती है, कभी जूते भेज जाते हैं, अध्यापक उन्हें सजा देता है, उन्हें वापस भगा देता है, ना बच्चे पढ़ने पाते हैं, ना काम धंधे पे आ सकते हैं। जब भी किसी के पास जाते हैं वो यही कहते हैं कि वोट दो, इसको पक्का बना देंगे, छज्जी बिछा देंगे, पट्टी बना देंगे। वो वोट बनने के बाद में यहाँ से झुंडे भी नहीं पाड़ता, वो यहाँ देखता ही नहीं, पेशाव भी अपने भीतर बढ़कर करता है, यहाँ तो आता ही नहीं कोई। हम तो है इससे परेशान, काफी बार सही आज बनाएगा, अब की बार ये बनेगा, अब की बार वो बनेगा, यहाँ तो कुछ नहीं बनेगा। आएगा आएगा देखा जो कहीं नहीं देखे देखे हैं ये बालक उड़े, बालक किसके निकलेगा? ऐसे प्रशासन ऐसी सरकार, पूरी जनता किस तरह से आक्रोश में बने हुई आप देख सकते हैं, और समस्या बता रहे हैं अपने रास्ता अभी आपको सरकार उड़ जाओ पहले तो मैं रास्ता दिखाता हूँ आपको, ये पूरा रास्ता किस तरह का बना हुआ है, जो 1 किलोमीटर का ये रास्ता है मुंदी से और जो बीपीएल परिवारों तक, ये है इन घरों का यहाँ से आने जाने का रास्ता, आप देख सकते हैं पूरा रास्ता पानी का भरा हुआ है और चिकनी मिट्टी है। ये पानी बता रहे हैं कि करीब अब 2 महीने तक ऐसे नहीं सूखेगा, बारिश 2-3 दिन पहले आई थी, और अभी यहाँ से रास्ता बिल्कुल नहीं है बच्चों के निकलने का या किसी भी व्यक्ति के निकलने का। यहाँ से काफ़ी बच्चों का आना जाना होता है स्कूल से, आए दिन बच्चों यहाँ पे गिरते पड़ते रहते हैं और आने जाने में बहुत असुविधा होती है। और रास्ता आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक कदम तक रखने की जगह नहीं है रास्ते में, पूरा पानी का भरा हुआ है।
ग्रामवासियों का कहना है कि काफ़ी बार सरपंच को भी अवगत कराया गया इस मामले में, लेकिन हर बार टाल दिया गया लगभग। तो मैं ये रास्ते की तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, किस तरह से ये रास्ता पानी का भरा हुआ है, लबालब बिल्कुल एक कदम तक रखने की यहाँ पे जगह नहीं है। और दाएं बाएं इस तरह की पगडंडी है, उनमें काफ़ी जैसे जीव जंतु किसी सांप वगैरह का भी डर रहता है और बच्चों के आने जाने में काफ़ी समस्या होती है। और ये रास्ता थोड़ी दूर का नहीं, काफ़ी लंबी जगह है ये जो इसी तरह का रास्ता बना हुआ है। ना तो यहाँ से साधन गुजर सकता, ना ही कोई पैदल व्यक्ति आ सकता यहाँ से। ये रास्ता है मुंदी गांव से जब बीपीएल कॉलोनी की तरफ हम जाते हैं, तो देखिए दाएं बाएं भी इस तरह के हालात बने हुए हैं कि यहाँ से भी बिल्कुल गुजरना मुश्किल है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से यहाँ से आना जाना रहता होगा, कैसे ये बच्चे आते होंगे यहाँ से, कैसे यहाँ से लोगों का आना जाना होगा, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये रास्ता है और किस तरह से बच्चे जाते हैं, आए दिन बता रहे हैं कि बच्चे यहाँ पे गिर पड़ जाते हैं और वापस स्कूल जाते हुए गिरने पड़ने की वजह से वापस घर जाना पड़ता है बच्चों को। यहाँ से बिल्कुल रास्ता नहीं है यहाँ से निकलने तक का, कि कोई एक व्यक्ति यहाँ से निकल नहीं सकता। किस तरह के देखिए यहाँ पे हालात बने हुए हैं, कैसे बच्चे जाते हैं यहाँ परेशान होकर। अरे कल भी बताया गया ये जो मिट्टी पड़ी है यहाँ पे, एक ट्रैक्टर फंस गया था जिसके बैरिंग वायरिंग टूट के काफी नुकसान हुआ और बड़ी मशक्कत के साथ उसको निकाला गया। ऐसे लोग परेशान होकर यहाँ से निकलते हैं। ये स्वच्छ भारत की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा लक्ष्मण सिंह आए के देख खजूर है। किताबों में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, विकास के चर्चे होते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे विकास किया जा रहा है, और ये विकास की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस कदर ये ग्रामवासी परेशान है यहाँ। ये विकास हो रहे थे, विकास विकास विकास, हमने घर करवा रहे होगा, विकास हो रहे थोड़ी है, हो रहे थे। पूरा एक किलोमीटर का ये रास्ता है लगभग, और सारे रास्ते का यही हाल है। और बता रहे हैं कि करीब एक से दो महीने तक ये पानी सूखेगा नहीं, जबकि बारिश दो दिन पहले आई थी, बारिश अभी आ भी नहीं रही है और उस समय भी ऐसे हालात हैं। तो आप देख सकते हैं चिकनी मिट्टी है, इसमें पानी कब तक सूखेगा और ये लोग कब तक परेशान रहेंगे। काम करो, रोड जाम कर दो, प्रशासन फिर देखो उराक भाड़ा को उनकी गाड़ी फिर चलो देखो जी। अगर बारिश और हो जाओ फिर, अरे बिना बारिश ये हाल देख ली थी, एक दिन पहले हुई थी। देखिए वहां से लेकर यहां तक किस तरह के हालात हैं, पूरा एक किलोमीटर इसी तरह से रास्ता है, कोई एक व्यक्ति निकल नहीं सकता यहां से अगर चाहे तो। ये ग्राउंड की तस्वीरें आप देख सकते हैं तक पहुंचता है। ना निकलो दूनी बीमारी निरसा सपोड़िया लिकड़ियां थे डेंगू बढ़न लाग रही सब गन कमैया कतरा निकला गन कठी ने जा जो गिदरा को रास्ता जको है मैं एक करम करो के सरकार सर के पंच सरपंच से के पंचायत से मैं बिलाव समिति रे जिला पार से तल सब की नहीं है गोर सुरो मारा है कलो ने कोई सुधार कोई ने भाई सही करा भाई ने अरे हम तो कभी परेशान सा सरपंच से बात हुई आप लोगों की? देख हम तो बात करी ना, क्या कह रहे हैं नहीं थोड़ा बहुत काम चलाओ करण खातर, कई और रास्ता में रेत मिट्टी कुछ डलवा के कुछ भी ना करे, कई साहब ने कुछ भी ना करे
खोद के और लिया जा गेरन को तो कही जगह योजना चली गई है। और भी किसी मंत्री से या किसी अधिकारी से आपने इस तरह की शिकायत? मंत्री आओ जमी तो कमा के यो कर देंगे वो कर देंगे कुछ भी ना करे कुछ भी ना हमारे फिर वैसे बीड़ियां पे भी दिखेगा स्वच्छ भारत आदमी स्वच्छ बनने पूरा स्वच्छ बना भारत पूरा फिर तो पक्के रोड रोड जाएगा। मैं आपको ये पूरा रास्ता दिखाता हूँ 1 किलोमीटर का किस तरह से बने हुए हालात यहाँ के। आदमी स्वच्छ भी बने भारत बीड़ी पे भी स्वच्छ भारत ये मैंने आपको दिखाया रास्ता और अब यहाँ देखिए पूरा गांव खड़ा हुआ है और एक ही दुआई दे रहा है कि किसी तरह इस रास्ते को ठीक किया जाए। पक्की गलियों के वादे हुए थे चुनाव के समय में लेकिन बता रहे हैं 3 योजना बीत चुकी आज भी वैसे हालात है यहाँ के लोगों का आना जाना यहाँ से दुभर हो रहा है। काफी लोग यहाँ बने हुए उनकी बात करवाते हैं आपसे अभी। ठीक है जी थैंक यू। यहाँ हमारे साथ कुछ मातृशक्ति माताएं बहनें भी बनी हुई इस गांव की जो पीड़ित है यहाँ इस रास्ते से परेशान हैं उनसे भी हम आपकी बात करवाते हैं कि किस कदर परेशान है। भाजी आप बोलोगे बताएंगे किस कदर परेशान है लोग यहाँ से। जी माँ जी बताइए भाई ना लिखो चाहे हाँ माँ जी बताओ क्या कहना चाहोगे। यह कहना चाहूँगा और रास्ता मरना चाहिए पक्को जी है और कोई नदाब रखे कोई नदाब रखे सर और कोई बुढ़ी बीरवा निकल तो कति ना लिखड़ जाए कोई जुआन हो बाद लिखड़ जाए नहीं तो अपना घर ही रहो इन्ना किन्न इन्ना किन्न घास घूम जाता है दिक्कत होगी लेट जाने वाला बरोटी ले जाए तो बरोटी आए जाए ने अरे के बठेड़ हो के जाए जाए से बठेड़ आलू रास्तो पक्को से उरा को कोने बीपीएल को यही रास्ता ना बनो सर यही रास्ता ना बनो सर रास्ता की कार्रवाई कब होगी बस हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है हम वोट मांगना है तब तो रास्ता बना देंगे नूमड़ा देंगे पैर तक जोड़ लेनी सर अब कोई समस्या है कि समाधान ही ना मेरो यो कौन सो मतलब हुयो बालक हर वक्त परेशान रवि से गिर जाए पड़ जाए हाथ पैर टूट जाए तो इनको जुर्माना कौन देवेगो जी है जी तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि रास्ता को समाधान करवाओ हम बहुत परेशान है रास्ता ना बना तो वोट भी ना दे वोट नहीं देवा किसी की नहीं मिलेगी हम के काजी मारे रास्ता से हम बहुत ज्यादा परेशान छा अगर जाए की कोई कार्रवाई ना हुई तो हम उरे धरनो धर के बैठा गे क्यूँकी हमारा बालक परेशान था पूरा ऊँट मर सके से तो बालक हम क्यों ना सके इतनी दिक्कत नो बताओ आप सरपंच से कहाँ साधन हो कैसे सरकार करने जाओ सरकार का हम कित जाओ बताओ आप बिल्कुल हम इतना जानकार को ना साधन निकले ना बालक का खतर के में समाधान होना चाहिए ठीक है बालक के हाथ आवे से गारे मांग पानी भरो से सब नहीं दिक्कत से हमने घास ने भी दिक्कत से डंग पशु ने भी दिक्कत से सारी बीमा करो तो बनाओ और हम जी मैं प्लस टू क्लास से बोल रही हूँ यहाँ से जाते हैं तो सर लेट हो जाते हैं स्कूल में और फिर सर कम्प्लेन करते हैं हमसे कि सर स्कूल से ऑफिस जाओ घर पर लेट हो जाते हैं अब हम क्या करें इस रास्ते का। सर जब वोट लेनी होती है जब तो मम्मी पापा के पास आ जाते हैं वोट लेने के लिए और अब रास्ता भी नहीं बना रहे हमारे लिए अब हम क्या करें। जी बिल्कुल देखिए किस कदर परेशान है लोग यहाँ पे बच्चे भी परेशान है बाइक निकल सकन कोई बीमार होगा तो डॉक्टर आ सके डॉक्टर आ जाए जी बिल्कुल स्कूल की छुट्टी भी होती है फिर डेली बारिश में तो देखिए आप किस कदर लोग यहाँ परेशान हैं। लेडीजें भी परेशान है बच्चे भी परेशान है यहाँ से युवक भी परेशान है ना तो यहाँ से कोई साधन आ जा सकते हैं ना ही बच्चे पैदल आ सकते हैं और ये जिम्मेवारी कौन लेगा। सरपंच को बोल रहे हैं 2-4 बार बोल चुके लेकिन वो पल्ला झाड़ लेते हैं 2-4 दिन का नाम लेके टाल देते हैं इनको लेकिन आज तक ना तो यहाँ पे कोई गली पक्की का तो बात दूर है बल्कि यहाँ पे रेत मिट्टी डाल के इस रास्ते को आने जाने योग्य भी नहीं बनाया जा रहा। क्यों इस कदर परेशान है जनता बार बार सरकार दिखा रही है कि कागजों में कि किस तरह से विकास के कार्य किए जा रहे हैं बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं टीवी पे अखबारों में न्यूज चैनलों पे लेकिन ग्राउंड पे देखिए आप किस तरह लोग परेशान है। क्या इनको जीने का कोई अधिकार नहीं है? 5-4 दिन बाद क्या इन लोगों को सुख सुविधाएं नहीं चाहिए? गवर्नमेंट जो चीज देती है वो क्या किताबों में ही दिखाई जाती है? क्या ग्राउंड पे कुछ नहीं होता? ये लोग आप देखिए किस तरह परेशान है। यहाँ से करीब 50 घर बसे हुए हैं जिसमें 400-500 लोगों की बस्ती है और वो रोज यहाँ से गिरते पड़ते रहते हैं परेशान रहते हैं लेकिन कि कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
तो मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ और जगाना चाहता हूँ अपने उपायुक्त साहब को भी और यहाँ के जो MLA साहब हैं लक्ष्मण जी, उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इन लोगों की समस्या को संज्ञान में लेकर इस मामले को सुलझा जाए, वरना ये परेशान लोग रोड पे जाम लगाने तक की बात कर रहे हैं। महिलाएं बार बार कह रही हैं अगर हमारा यहाँ का समाधान नहीं होता है तो हम रोड पे जाके जाम लगाएंगे, फिर कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी। तो यहाँ से देखिए, चाहे सरपंच हो, चाहे यहाँ के पार्षद हो, ब्लॉक समिति मेंबर हो, यहाँ के विधायक हो, चाहे DC साहब हो, इस मामले को संज्ञान में लेकर जल्दी से जल्दी इन लोगों की समस्या को सुलझा जाए। और मैं एक बात कहना चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि हमारे चैनल को कुछ दिन पहले डिलीट कर दिया गया था, तो दोबारा से चैनल को बना गया है रेवाड़ी हलचल को। तो जो पुराने सब्सक्राइबर हमारे साथी थे वो ये ना सोचे कि चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, इस चैनल को दोबारा से सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इनको न्याय मिल सके। अगर हमारी वीडियो के माध्यम से इन लोगों को न्याय मिल जाता है तो हमारी ये काम सफल हो जाता है। और जो नए साथी है जो चैनल पे आज ये वीडियो देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाए ताकि इनकी मांगों को देखा जाए और सुना जाए और इस पर काम हो। और मैं अपनी तरफ से भी यहाँ के जो सरपंच हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सरपंच साहब जल्दी इस काम को करवाया जाए, वरना लोग परेशान हो रहे हैं। कल को अगर कुछ यहाँ पे दुर्घटना हो जाती है तो कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा? कल को ये कड़े कदम उठाएंगे, सड़क पर जाम लगाएंगे तो उसको जिम्मेवार भी आप लोग ही रहेंगे। तो इस विकास की झूठी किताबों में ना करके ग्राउंड पे काम करके दिखाएं। जी आप बताइए, बताइए आप बताइए और क्या परेशानी है सर? यहाँ से बिजली की तार, सर यहाँ से तकरीबन 15 साल हो गए कोई बिजली की तार नहीं पूरी है। हमें, मैं और सरपंच और एक बंदा और था, हम वहाँ पर गए थे बड़ोली उनजाई और NSDM साहब है, उनको साफ मना कर दिया अभी से काम तार कोई नहीं बिछाई जाएगी, अभी से जैसे हो वैसे रहो, इस रास्ते के लिए बिजली तार बिछाई जाए और ये रास्ता क्लियर करा जाए। 3 योजना गई, आश्वासन देते रहते हैं, मंत्री आते हैं, वोट मांगते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं। अगर ये काम अगर हफ्ता 10 दिन हो गया कोई, अगर थोड़ी बहुत ही मरम्मत हो गई रेत मिट्टी की तो ठीक है, नहीं तो हम वरना हम रोड जाम करेंगे। इसके जुम्मेदार सरपंच विधायक लक्ष्मण सिंह, DC साहब सिंह कोई भी हो, जी, जी हम रोड जाम करेंगे, आगे तक भी जाएंगे। धन्यवाद, तो बने रहिए वीडियो के साथ और मिलते हैं, जल्दी कार्रवाई की जाए और हमें बच्चों को आने जाने में बहुत भारी दिक्कत होती है और इसको काम कराया जाए। जी धन्यवाद। तो सुनिए आपने यहाँ की समस्या, यहाँ पे लोगों की तारों की समस्या भी बता रहे हैं कि बिजली के कनेक्शन जो हैं वो भी यहाँ पे सुचारू रूप से नहीं पहुँचाए गए हैं आज तक। लोग दूर दूर से अपनी लाइट का कनेक्शन लेके आ रहे हैं जो यहाँ बारिश के मौसम में खतरे का विषय बना हुआ है। तो इस मामले को भी संज्ञान में ले सरकार और यहाँ के जो रिलेटेड अधिकारी हैं वो इस काम को भी संज्ञान में लेकर इसे भी पूरा किया जाए। तो बार बार ये रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा रहेगा कि इसको तत्परता से काम किया जाए, इस रास्ते को सुधारा जाए, इन लोगों की समस्या का समाधान किया जाए, अन्यथा परिणाम भुगतेंगी खुद सरकार, खुद अधिकारी कि क्या करने वाले हैं ये लोग गाँव के जो इतने नाराज खड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। खट्टर सरकार, खट्टर सरकार, खट्टर सरकार, खट्टर सरकार, खट्टर सरकार, सरकार से किस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं। तो बार बार हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इस मामले को संज्ञान में लेके सुलझाया जाए। भाई ले ले फोटो, नहीं चाहिए। तो हम पहुंच गए हैं सरपंच साहब के घर, जो सरपंच प्रतिनिधि अनिल कुमार जी हैं गांव मुंदी से। आपने अभी देखा वीडियो कि किस तरह से लोग परेशान हैं इन रास्तों को लेकर, इन समस्याओं को लेकर। और अब हम सरपंच से भी पूछेंगे कि किस तरह के ये हालात बने हुए हैं और क्यों आपके हाथ बंधे हुए हैं, क्यों आप विकास कार्यों में इस तरह से लोगों की ढील बरती जा रही है। तो क्या कहते हैं सरपंच साहब, हम मिलवाते हैं सरपंच अनिल जी से। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार जी। सरपंच साहब, अभी आपके गाँव से काफी लोगों की शिकायत थी और रास्तों के हाल आपने भी देखे होंगे कितने बदहाल हो चुके हैं, बच्चों का वहाँ आना जाना दुभर हो रहा है। तो क्यों ये हालात बने हुए हैं? गांव के ग्रामीणों बताया कि हमने सरपंच को एक दो बार बोल भी चुके हम कि इन रास्तों को ठीक करवाया जाए, अगर पक्का भी नहीं तो कम से कम काम चलाओ। जैसा कि हम मानते हैं रेत मिट्टी कंकर डाल के कुछ हद तक उन रास्तों को, जैसे कि बारिश का मौसम है तो बच्चे ज्यादा परेशान है, तो उन रास्तों को सुलभ बनाया जाए इस तरह से। तो क्या समस्या है और क्यों इन कामों में ढील हो रही है? क्योंकि 6 महीने करीब बीत चुके हैं सरपंच को, तो
जो सरकार आज दिखावे कर रही है हर जगह की विकास विकास, तो कहाँ है वो विकास, कहीं नजर नहीं आता। हर गांव में इसी तरह की परेशानी बनी हुई है जो आपके भी गांव में है, तो बताएं उसके बारे में कि क्यों ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। सबसे पहले तो मैं अपने पत्रकार भाई सतीश यादव का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आज मेरे गाँव में पहुँच कर मेरे गाँव के लोगों की आवाज़ सुनी और उनको ऊपर तक पहुँचाने की उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ग्राम पंचायत मुंदी की ओर से मैं सरपंच प्रतिनिधि अनिल यादव बारंबार धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। जी थैंक यू सतीश भाई। एक्चुअल में ये समस्याएं बड़ी गंभीर है। ये जो बीपीएल कॉलोनी का रास्ता है मेरे गांव के पंचायत घर से लेकर बीपीएल कॉलोनी का, तकरीबन ये 1.25 किलोमीटर का रास्ता है जी, और ये 49.5 फुट का रास्ता है, कुछ दूरी में है 33 फुट का जी। इतने बद से बदतर हालात हैं कि यहाँ से पैदल निकलना भी दूभर है जी, बिल्कुल। और सरकार ने हमें बांध रखा है, हमारी लिमिट 5 लाख रुपए कर दी, जिस पे 18% टैक्स होता है, 90,000 टैक्स में चले गए, 4,10,000 रुपए रहेगी जी। उसमें से तो इसमें मिट्टी मलबा रोड़ा डल सकता है, लेकिन अगर से मैं मिट्टी मलबा रोड़ा डलवा कर निकलने लायक कर देता हूँ जी, तो मेरे ये जो गाँव के साथी और नागरिक है ये इस तरह से आंदोलन नहीं कर पाएंगे, अपनी आवाज को नहीं उठाएंगे जी। और जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी चुच्ची नहीं देती है जी। मैं अपने गांव की पूरी जनता के साथ, सभी युवा साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनसे आगे खड़ा हूँ और मैं साथ में हूँ इनके जी। जैसा भी हो, कहीं तक भी चलना हो, जैसे मेरे अजीत भाई पंच ने बोला था कि भाई हम आगे टेंडर से करवाओ चाहे कैसे भी करवाओ, हम सरपंच प्रतिनिधि को कुछ एक नया पैसा किसी से कमीशन चाहिए ना, कुछ भी नहीं चाहिए, हमें अपने गांव में सिर्फ काम काम और विकास चाहिए। मेरा अपना गुड़गांव में रोजगार था, मैं सही सेट था, गांव ने विश्वास और भरोसा करके मुझे जो बहुमत दिया, आज मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि मैं अपने गाँव के हर नागरिक की समस्या का समाधान कर सकूं, और लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद है मुझसे, मैं अधिकारियों से, आप जैसे पत्रकार भाइयों से और सरकार से ये गुहार लगाता हूँ कि आपकी पॉलिसी से हमें कोई लेना देना नहीं है। आप टेंडर से काम करवाओ, सरपंचों को पावर दो, किसी को भी दो, लेकिन काम के लिए पैसा चाहिए, आप ची टेंडर करवाओ, कुछ भी करवाओ, हमें अपने गांव में विकास चाहिए और हर हाल में विकास चाहिए। अगर से इस विकास के रोड़े में सरकार ने जो ये बाधा बनने का काम कर रखा है, इसको इस चुनाव से पहले जल्दी से जल्दी नहीं हटाया और हर पंचायत को मोटा फंड देकर ताकि हर गांव में विकास हो सके, वो नहीं करा, तो आने वाले चुनाव में अपने आप ये सबक सीखने को और देखने को मिलेगा, और फिर वो कहा करेगी भाई चिड़िया चुगी खेत, अब पछताए क्या होत जी। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। मैं सतीश भाई आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, ये आवाज पूरे मुंदी गाँव की है, इसको ऊपर तक और आगे तक पहुँचाया जाए जी। जय हिंद, जय भारत। आपकी नजर में सर अभी कोई फिलहाल कोई सोल्यूशन है उनका? मेरी नज़र में अभी कोई सॉल्यूशन नहीं है, सरकार ने हाथ बांध रखे हैं। मेरा जो अपना काम था प्रस्ताव करना और प्रस्ताव पहुंचाना, मैं प्रस्ताव करवा चुका हूं मेरी ग्राम सभा में तकरीबन 4 महीने पहले, और वो प्रस्ताव ब्लॉक में भी जा चुके हैं, पार्षद साहब को भी जा चुके हैं, पार्षद प्रमुख साहब के पास में भी जा चुके हैं, लेकिन अभी से कोई एक्शन नहीं हुआ है और उनमें थोड़ा टाइम तो लगता है जी। काम का जो प्रोसेस होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, वो देखना चाहिए लोगों को, थोड़ी तसल्ली तो करनी चाहिए जी। जी थैंक यू सरपंच साहब। सरपंच साहब खुद कह रहे हैं कि ये काम करने के लिए अग्रसर हैं, और अनिल कुमार के काम आप देख रहे हैं समय समय पे, ये हमेशा एक्टिव रहते हैं गांव के कामों में, गांव के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल भी रहे हैं और आगे भी उनके साथ चलने का वादा कर रहे हैं और खड़े भी मिलते हैं, लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं इनके भी हाथ बांध रखे। हम माननीय विधायक से मांग करते हैं कि क्यों इस तरह के हालात आपने बना रखे हैं, सरपंचों के हाथ बांध रखे हैं, गांव में विकास कार्य नहीं हो रहे, और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हरियाणा में ये विकास हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन परस्पर अगर ग्राउंड पर हम देखें तो कहीं भी कुछ नहीं हो रहा। जनता परेशान है और रोडों पर आने के व्याकुल और तैयार हो रही है, और जल्दी ये हालात बनेंगे अगर इसी तरह से विकास के कार्य होते रहे तो। हम माननीय विधायक से और माननीय महोदया उपायुक्त से रिक्वेस्ट करेंगे कि इन मामलों को संज्ञान में लेकर जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, ना हो ऐसा कि कहीं पर्जा इस तरह से जो जनता है वो बढ़ के और कहीं इनके निर्णय भयानक और खौफनाक बने, कल को रोग सड़कों पर उतरे और खतरनाक इनके जो इरादे हैं, जो सरकार के जो काम कर रही है जिस तरह से, तो सरकार को कहीं मुंह की खानी पड़े। तो जल्दी से जल्दी इन मामलों को संज्ञान में लेकर इन सरपंचों को भी कुछ पावर दी जाए और इन गांव के विकास कार्यों को निपटा जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।